नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 12 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी के समर्थन में जनता से वोट मांगने बालाघाट जिले की नक्सल प्रभावित उप तहसील उकवा पहुंचे, जहां सीएम मोहन यादव ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन ने अपने 30 मिनट के संबोधन में एक बार भी बालाघाट लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी का नाम नहीं लिया। सीएम यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस माता बहनों को भोग विलास की वस्तु मानती है, कांग्रेस ने महिलाओं को कभी सम्मान नहीं दिया। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 6 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने मात्र एक सीट पर महिला प्रत्याशी उतारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का कभी सम्मान नहीं किया, जबकि पीएम मोदी ने आदिवासियों का सम्मान किया और उन्हें उनका हक दिया है। उन्होंने भी अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये नवरात्रि चल रही है, ये हमारी माता बहनों की लंबी श्रृंखला है। हम अपने नवरात्रि में माता बहनों की पूजा ऐसे ही नहीं करते, हम शक्ति की पूजा ऐसे ही नहीं करते। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारी भावना है। माता बहनों को हम सदैव सिर झुका करके प्रणाम करते, ये भाजपा की संस्कृति है। इसके उल्टे कांग्रेस के लोग माता बहनों को भोग विलास की वस्तु मानते हैं। उनके मुंह से निकलने वाली भाषा वो माता बहनों को लजाती है, उनकी इज्जत कम करती है। एक बड़े नेता है, बगल में उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है छिंदवाड़ा में। उन्होंने उनकी 13 महीने की सरकार में एक बड़ा आयोजन किया, बंबई से बड़ी फिल्म अभिनेत्री बुलाई और आईफा अवार्ड कराया। अरे हमारे यहाँ तो नवरात्रि का आनंद बनता है, बोलो मनता कि नहीं मनता है। बोलो दुर्गा मैया की।